हमारे सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं संतोष भगत, आप देख रहे हैं स्वतंत्र सागर न्यूज, आपका स्वागत। हम खड़े हैं वसई के अलकापुरी, इन नाला तो बड़ा ईस्ट में लगता है अलकापुरी, और यहाँ का जो हम हाल देख रहे हैं, और लॉकडाउन होने के बाद में जहाँ एक तरफ पूरा देश बंद हो चुका है, उसके बावजूद भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ अभी भी लोग उस चीज़ का पालन बराबर नहीं कर रहे। हम हर बार प्रशासन को, हर चीज़ के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन क्या एक समाज के नागरिक के तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम प्रशासन के दिशा निर्देशों को पालन करें? ये हमें सोचना चाहिए। यहाँ हम अभी देख रहे तो यहाँ बड़े नहीं, बच्चे भी घूमते दिखाई दे रहे हैं। क्या हमें ज़रूरत है घर से निकलने की, जब सरकारी तंत्र प्रशासन बार बार इस चीज़ का बार बार आगे आके निवेदन कर रहा है कि आप अपने घरों में रहो, लेकिन जनता है वो मानने को तैयार नहीं है। यहाँ हमने भी देखा, बच्चे भी दिखाई दिए, छोटे छोटे बच्चे। और एक अहम बात ये बताए कि जो दो पॉजिटिव केस वैसे एवर साइंस आए, उससे ये क्षेत्र कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, एक दो किलोमीटर की दूरी है यहाँ, ये अलकापुरी नाला से पारा। ऐसे हालात, दो पॉजिटिव केस आने के बाद भी अभी तक जो यहाँ की क्षेत्र की जनता है वो जागरूक नहीं हुई। अब सवाल यह बड़ा है कि क्या जनता खुद ये नहीं चाहती है कि हम सेफ रहे? तो इसका जवाब उसी जनता के पास है। वैसे इसे यूसुफ अली, जैसे कि हमारे संवाददाता ने सोशल डिस्टेंस और भीड़ को देखते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी, और बड़ा ही डरावना दृश्य भी वीडियो में दिखाई दे रहा है। क्या हम दिन भर घरों में बैठने को लॉकडाउन समझ रहे हैं? क्या अब तक सैकड़ों मौतों की खबर सुनकर भी हम जागरूक नहीं बनना चाहते? कोरोना से हमें किसी भी प्रकार की दवा नहीं बचा सकती, केवल हमारी जागरूकता, जिसका प्रशासन के साथ मिलकर प्रमाण देने की जरूरत है। 200 से ज़्यादा देशों में फैल चुकी महामारी से अब तक 37,000 जाने जा चुकी है। भारत के लिए सबसे खतरनाक बन सकता है कोरोना वायरस। अगर लॉकडाउन का महत्व नहीं समझा गया तो भारत में लाखों जाने जा सकती है, क्योंकि हम लोग ही कोरोना को आमंत्रण देने का काम रोज सुबह शाम कर रहे हैं। हम आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए कह सकते हैं, पर कोरोना वायरस के संपर्क से नहीं बचा सकते। डरे नहीं, पर आपको सावधानता ही आपको